स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। भारत के कई पड़ोसी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पहले पाकिस्तान, फिर नेपाल और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हालत इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि बांग्लादेश के पास सिर्फ 5 महीनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। साथ ही भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश आर्थिक संकट की मार झेल रहे हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। देश में जितनी विदेशी मुद्रा बची हुई है उससे अगले 5 महीनों तक ही आयात का खर्च सहन किया जा सकता है। अगर वैश्विक बाजार में कीमतें और बढ़ती हैं, तो बांग्लादेश का इंपोर्ट खर्च और बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने से पहले ही खत्म हो सकता है। फिलहाल बांग्लादेश के पास 42 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF बांग्लादेश पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार की सही गणना करे। अगर बांग्लादेश IMF के इस निर्देश का कड़ाई से पालन करता है तो माना जा रहा है कि इस गणना के बाद बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 अरब डॉलर की कमी आ जाएगी। इस बीच बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की खबर ऐसे समय पर आई जब सरकार ने लग्जरी और गैर जरूरी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार ने वॉशिंग मशीन, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के आयात पर रोक लगा दी है। बता दें कि बांग्लादेश की PM शेख हसीना और उनकी सरकार ने भी सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी है। वहीं बांग्लादेश के अधिकारी कम या जरूरी परियोजनाओं पर टेम्परेरी रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल ने कहा कि जब समय कठिन होता है तो हमें कठिन फैसले लेने होते हैं। यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि युद्ध कब समाप्त होगा, वैश्विक हालात को देखते हुए हमें फैसले लेने पड़े हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर सरकार ने तेजी से कदम उठाए होते तो हालात इस कदर नहीं बिगड़ते। बताया गया है कि बांग्लादेश में जनवरी के बाद से ही हालात खराब होने लगे हैं। विदेशों से बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में भी कमी आई है। ये कमी पिछले साल जुलाई में शुरू हुई, वही आयात बढ़ता चला गया। देश में फरवरी में हालात ज्यादा खराब हो गए और बांग्लादेश के आयात के लिए बस 6 महीनों का पैसा बचा हुआ था। इसके बाद से ही ये संकट गहराता चला गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के टका की वैल्यू गिरती जा रही है। बता दें कि भारत के कई पड़ोसी देशों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिससे उनके ऊपर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले श्रीलंका में विदेशी मुद्रा में भंडार में हुई कमी के बाद आर्थिक संकट गहरा गया। देश की मुद्रा में गिरावट देखने को मिली और देखते ही देखते विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होता चला गया। अब ऐसे में बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात पैदा होने का खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश में कुछ विशेषज्ञों ने विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को रूस यूक्रेन युद्ध की वजह बताया। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। भारत के कई पड़ोसी देशों में इसी तरह के हालात बने हैं, जहां पाकिस्तान को हाल ही में एक और प्रधानमंत्री मिला। मार्च 2022 में कर्ज और महंगाई के बीच बेरोजगारी की संख्या रिकॉर्ड पर पहुंची। इसके जवाब में PM इमरान खान ने कहा था कि मैं टमाटर और आलू की कीमतों को जानने के लिए राजनीति में नहीं आया। इसकी 1 महीने से कम समय में ही इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने बहुमत खो दिया और पाकिस्तान को एक नया PM नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के रूप में। वही श्रीलंका 1948 में आजाद होने के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लोग सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार हिंसक होते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका के बाद नेपाल पर भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। इसको देखते हुए नेपाल ने अपनी केंद्रीय बैंक प्रमुख को सस्पेंड कर दिया। इन सभी के बीच अभी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है।
एक तरफ जहां कोरोना के बाद देखा जा रहा है कि देशों की इकोनॉमी पर कोरोना का गहरा असर पड़ा, वहीं भारत में भी महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। देश में आम लोगों के ऊपर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। खुदरा महंगाई के 8 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाने के बाद अप्रैल 2022 में थोक महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।